रही बात 10 तारीख की, जो चेटीचंड का यहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है, चेटीचंड में हमने करीब 450 व्यक्ति लगाए हैं, हमारे फोर्स लगाई है, उसमें एडिशनल स्पीच करके अधिकारी भी लगाए हैं। आज 9 तारीख, 10 तारीख कल और 11 तारीख, तीनों दिन में अपने बड़े बड़े त्यौहार हैं अलग अलग देखे। आज जो नववर्ष का त्यौहार है उसमें भी हमने हमारे सभी थानों के जाब्ते को सबको अलर्ट करके लाइन से, कुछ हमारे पास जो एक कंपनी आ रही थी क्या ये, उनसे मिला के हमने बहुत कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है। रही बात 10 तारीख की, जो चेटीचंड का यहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है, चेटीचंड में हमने करीब 450 व्यक्ति लगाए हैं, हमारे फोर्स लगाई है, उसमें एडिशनल स्पीच करके अधिकारी भी लगाए हैं, क्योंकि पूरा इनका एक जुलूस निकलेगा, उसके जुलूस के आगे पीछे और जहाँ पे इनके स्वागतकर्ता वगैरह रहेंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी पुलिस ने पूरा व्यवस्था की है। उसी तरीके से जो 11 तारीख को ईद है, ईद के लिए भी हमारे पूरे जिले में हमने इस तरीके से जो RSC वगैरह लगा के टोटल 700 लोग लगाए हैं, जिनकी व्यवस्था महत्व की है। सर यातायात व्यवस्था यातायात को आदमी मिला के हैं इसमें, यातायात में जैसे जो जैसे जुलूस निकलेगा उसमें यातायात का पूरा व्यवस्था साथ रहेगी। सर एक बड़ा जुलूस करने के लिए ट्रैफिक को लेकर के पब्लिक से क्या करने के लिए जाम की स्थिति पब्लिक बाहर लेकर लेकर बिल्कुल सही है, क्योंकि सुबह हम न्यूज़पेपर में भी दिला देंगे कि हमारा जो ड्राइवर होगा कोई रोकता तो क्या होगा, तो इनके करीब 2 बजे के बाद ही जो जुलूस चालू होता है, उसके बाद में जो डाइवर्जन होगा, जिस रूट का डाइवर्जन होगा उस रूट को डाइवर्ट करने के लिए हम पूरा उसको पेपर न्यूज़ में भी देखेंगे।